नहीं पा रही हूँ। जब से माउंट आबू से आई हूँ दो तीन दिन से तो शुरू किया कि मैं यहाँ पे खाऊँगी, तो वेट तो एक दो किलो बढ़ ही जाता है। पर एक बात और होती है कि एनर्जी लेवल भी लो हो जाता है। तो मैंने ये मंगाया क्योंकि मैं वहाँ गई थी, मैं लगा रही थी शो के अंदर, तो मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। तो ये है चंद्रपोल, ये बिंदी है, राउंड में लगाती हूँ हमेशा। पर ये शायद हर वेस्टर्न आउटफिट पर भी अच्छी लगी, कोविड के केसेस बहुत बढ़े हुए हैं तो मतलब बढ़ ही रहे हैं, तो बाहर जाने से बेटर है जो चीज़ें गारंटेड हो उसे ऑनलाइन ही मंगा ले और भीड़ में जाना अवॉइड किया जाए। गर्मी भी बहुत हो रही है अभी, ये मंगाया क्योंकि अभी मेरे बालों की पोनी टेल हो जाती है। ये इस तरह से कपड़े किसी में मंगाती हूँ उसमें बाल टूटते नहीं है, किसी भी तरह के रबर नहीं होती। अभी मैं तेल लगाने वाली हूँ और फिर ऐसे पोनी बांध देती हूँ। मैंने ऐसे सॉफ्ट कपड़े की चीज़ें लेंगी, अच्छी लग रही है ना, बस ऐसी सिंपल सी चीज़ें मंगा लेती हूँ। तो ढेर सारी आई है देखो। आप लोगों ने मेरे बेडरूम में हमेशा देखा होगा, ये आवाज़ शायद नहीं आएगी क्योंकि कुछ एसी बहुत आवाज़ कर रहा है और गर्मी बहुत है। तो दोस्तों आज मैंने सारा रूटीन चेंज कर दिया, भूख लग रही थी मैंने खाना खा लिया पहले, कुछ नहीं किया है अभी, एक्सरसाइज नहीं कुछ नहीं। तो देखो थोड़ा वॉक कर लेती हूँ नीचे, फिर नहा धो के अपना मेडिटेशन ये सब करूँगी, तो तब तक तेल भी अच्छे से हो जाएगा। ये मेरी फेवरेट एप्पल सिनेमन कैंडी, ये मेरे रूम में हमेशा रहती है। और जहाँ पे थोड़ा एनर्जी कम लगता है ना, आप लोगों को कैंडल जला देना चाहिए। कैंडल जलाने से खुशबू तो आती ही है, फायर जो है सारी नेगेटिविटी को भी भस्म कर देता है। तो ये मेरा सबसे बेस्ट शॉपिंग। मैंने ये अपनी ज़रूरत का छोटू सा सील बट्टा मंगवाया है ताकि मैं इसमें कुछ भी दरदरा पीसना है तो पीस सकूं। आज मेरे पूज्य गुरुदेव जी का बर्थडे है, 13 मई, ये मेरे गुरुदेव। तो वेट कर रही हूँ मैं नीचे से कम एक फूल आ जाए शगुन का, फिर हम केक काटेंगे। मैं तो शुगर खाते ही नहीं, लेकिन सेलिब्रेट करेंगे तो बस सोसाइटी का जितना स्टाफ है उनको गिफ्ट के रूप में दे दूंगी। हाय फ्रेंड्स, तो आज मैंने बहुत ही जल्दी सुबह उठ के एक्सरसाइज योगा ध्यान क्रिया सब खत्म कर लिया, नहा धो के फ्रेश बैठी हूँ। मैं इस समय कभी नहीं होती वैसे, पिछले 3-4 दिनों से ना मुझे उठती हूँ तो बड़ा डर लगता है और सपने भी बड़े वियर्ड से आते हैं। तो आई थिंक इट्स ओके नॉट टू बी ओके समटाइम्स। आज तो दिन ही बढ़िया है क्योंकि आज मेरे गुरुदेव का जन्मदिन है, तो मैंने कहा क्या फील हो रहा है जाने दीजिए और अपना अपना काम करिए, फिर एंड में तो अच्छा लगता ही है जब हम अपना काम करते हैं, राइट। और कुछ चेंज देख रहे हैं क्या आप, देखिए क्राउन वाला मैंने जो ये था ना, इसको आज घर पे ही मैंने कलर किया। मैंने कहा दो फ्लिप कलर करने के लिए पार्लर में इतने सारे पैसे लग जाएंगे, तो मैंने घर पे ही लगाया एक बरगंडी और वो काम कर गया है ना। बाल थोड़े स्ट्रेट भी लग रहे हैं, ये थोड़ा पसीना भी है और थोड़ा सनस्क्रीन भी है। मेरे बेडरूम में तो एसी ही नहीं, मगर ये देखिए हमारे बाग के फूल है कुछ, तो गुरुदेव के पास रख देते हैं।
राइट, हैप्पी बर्थडे। लगा दिया मैंने छोटा सा गुलाब का फूल और ये है गुरुदेव का केक जो मैं अब फूंकने वाली हूँ। माय डियर गुरुदेव, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे गुरुजी। ये हो गया बर्थडे सेलिब्रेशन। अब मैं केक को भेजूंगी नीचे अपने स्टाफ के लिए सुबह से शाम तक, जो है दिन वालों को अभी शाम वालों को। तो मैंने ये कलर यूज किया है, इसका नाम है बेरीना, इजी टू यूज, अमेजोन पे मिला था तो मैंने कहा चलो यूज कर लेती हूँ। रिजल्ट तो काफी अच्छा आया। और नीचे के जो बाल है, मेरे पास एक ब्लू कलर भी था, उसको मैंने किया, इससे मुझे दिक्कत नहीं है, जो छोटे से एक दो है ना ब्लू। फिर एक क्राउन पे बड़ा इरिटेटिंग लग रहा था, सेम सेम स्टाइल हमेशा हमेशा। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने अपने क्रिस्टल्स को इधर उधर करके देखा, सेलेनाइट प्लेट होती है उस पर चार्ज करके देखा। आप लोगों को भी शायद लग रहा हो कि मेरा चेहरा उतरा हुआ है, पहली बार मैं ऐसे बर्नड आउट डीमोटिवेटेड फील कर रही थी। मैंने एक पैर में भी डाला है ब्लैक टर्मोलिन, उसको भी चार्ज करने रखा, उसको पहना, सेम फीलिंग। आई वेक अप एंड आई फील आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, आई वॉन्ट टू स्लीप, बट आई डोंट डू दैट बिकॉज इमोशंस क्या है ना, वो कुछ भी बोलती रहेगी। आपकी एक कंसिस्टेंसी और एक कमिटमेंट होनी चाहिए आपके रूटीन की तरफ, मानते हैं ना। तो करना शुरू किया मैंने अपना वर्कआउट करना शुरू किया, वार्म अप किया जुम्बा करके, वर्कआउट करना शुरू किया, योगा करना शुरू किया, फिर ये सब कार्यक्रम किया, फिर उसके बाद नहाए धोए, थोड़े से वीडियोस देखे और अभी गुरु जी का केक भी काटा, तो वो एक उल्लास आ गया फिर से। तो ये उल्लास आने के लिए, यानी कि आपका डोपामाइन, आपका एंडोर्फिन, आपके सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने के लिए आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं लाइफ में। एंड स्टिल इफ यू फीलिंग लो, मे बी जब हम ज़्यादा ध्यान एनर्जी करते हैं, तो ध्यान करते हैं हम या क्रिया करते हैं, तो वी बिकम मोर वल्नरेबल टू एनर्जीज अराउंड अस। मे बी देर इज समथिंग इन द एनवायरमेंट और सम प्लैनेट्स शिफ्टिंग दिस दैट मे अफेक्ट यू। तो बेसिकली उठती हूँ तो मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं करता, पर मैं सब कर लेती हूँ। दिल का मतलब वो इमोशनल जो होता है ना, मूड स्विंग जिसे कहते हैं, उसकी मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ और मैं अपना रूटीन फॉलो करती हूँ। क्योंकि मुझसे होता ही नहीं है कि मैं बिस्तर में लेटी रहूँ 24 घंटे और नेटफ्लिक्स या अमेजोन देखती रहूँ, मुझसे नहीं होता है। बाय द वे अमेजोन का मतलब मूवी एक मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, उसका नाम है तहान। हाँ, अनुपम खेर है उसमें, सारिका जी हैं और एक छोटा सा बच्चा है, और कश्मीर की कहानी है और संतोष सिवन की माइंड ब्लोइंग सिनेमाटोग्राफी है। तो अमेजोन प्राइम पे ज़रूर देखे तहान, मैंने कल देखी, मुझे बहुत मज़ा आया। और फिर मैंने नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी द मदर, क्योंकि उसमें थी जेनिफर लोपेज। बस तो आज सैटरडे का हाफ डे ऐसे ही, कितना बज रहा है, 3 बज रहे हैं। आई एम स्टिल इन फास्टिंग और मैं शाम को खाऊंगी। मैंने जब से माउंट आबू से आई हूँ बदमाश हो गई हूँ, कभी मैंगो खा लेती हूँ, कभी खिचड़ी खा लेती हूँ, कभी गट्टे की सब्जी खा लेती हूँ, तो आई एम नॉट एट ऑल कीटो। तो 2 किलो मेरा वेट ऑब्वियसली बढ़ गया है, और मैंने कहा चलो अब ये संडे गुरु जी का बर्थडे भी आज, तो थोड़ा सा तो केक मैंने चाट लिया, ठीक है खाती नहीं, ऊपर जो लग गया था हाथ में। तो आज और कल एंड मंडे आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट फास्टिंग, क्योंकि हो सकता है कीटो में आपकी एनर्जी लेवल इतनी हाई होती है, ब्रेन में क्लैरिटी बहुत होती है। और मैंने वो शिफ्ट किया और 1 meal a डे है, पर वो कार्बोहाइड्रेट में खा रही हूँ, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे जो भी है। तो क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है 5-6 महीने से शायद ऐसा हो रहा है, और हाइपोथायरायडिज्म मेंटेन है, फिर भी होता ना फॉगी ब्रेन, आई थिंक इट इज़ द फॉगी ब्रेन एंड वाई आई फील लाइक नॉट डूइंग एनीथिंग इन द मॉर्निंग। आई होप इट चेंजेस द मोमेंट आई स्टार्ट माई कीटो ऑन मंडे मॉर्निंग, एंड आई विल प्रोबेबली गो फॉर अ प्रोलॉन्ग फास्ट।
उसके सिवा ये दिमाग में क्लैरिटी नहीं आने वाली है। एंड आई फील इट्स नेचुरल, समटाइम्स यू फील बर्न आउट एंड आपको लगता है यार मतलब बोरिंग लगता है ना, मेरा रूटीन तो सेम ही होता है। मैं नयापन लाने की कोशिश करती हूँ उसमें, आज भी देने वाली थी पर अब मैंने इतने हेयर प्रोडक्ट्स आप लोगों को दे दिया और आप लोग कभी ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, तो अभी मैं कोई प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं दूंगी, आप खुद ही पूछेंगे तब दूंगी। और लाइक कमेंट करने में इतनी कंजूसी क्यों यार, शायद इसलिए भी मुझे डीमोटिवेटेड फील हो रहा है। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीलॉग में, बहुत देर बाद, क्योंकि मैं नहीं बनाऊंगी, आप लोग कमेंट ही नहीं पास करते तो फिर ऐसे लगता है ना देयर इज नो इंटरेक्शन हैपनिंग, राइट। तो बस अब गुरुदेव आने वाले हैं, 7 बजे ऑनलाइन आएंगे, मेडिटेशन कराएंगे, उनको देख लेंगे फिर एक बार वर्चुअली, अच्छा लगेगा है ना। गुरुदेव का बर्थडे है तो उन्होंने कहा पेपर की कैप लगाओ, केक खाओ, प्लास्टिक मत यूज करो, पौधे लगाओ, गमले लगाओ। तो गमले मेरे बहुत सारे मैंने लास्ट मंथ ही लगाए हुए हैं, अगर अभी गमले वाला कोई मिल जाता है तो फिर एक नया गमला आज गुरुदेव के बर्थडे पे जरूर लगाऊंगी अपने घर पे, है ना। तो आप भी ऐसे ही रखिए, पर्यावरण का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए। और अच्छा नहीं लगने से कुछ नहीं होता है, अच्छा लगने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करने पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छा लगेगा। गॉट इट। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए और अपने परिवार से भी प्यार कीजिए।